हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी बैंक ऑफ एनसीसी अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे एनसीसी फ्लैग के बारे में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन बताएंगे। इससे पहले यह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इस वीडियो को देख सकें और एनसीसी फ्लैग के बारे में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जानें। चलिए शुरू करते हैं। आपको एनसीसी फ्लैग दिखाई दे रहा है, ये मैंने अपनी रेड पेन से बनाया लिया है, पेन से बनाया है। इस फ्लैग को 1954 में बनाया गया था। इस फ्लैग को मैं जो कलर दिए गए हैं ये तीन, इन कलर का पता है क्या मतलब है? रेड आर्मी, डीप ब्लू नेवी, लाइट ब्लू ये एयरफोर्स का कलर है। इस फ्लैग को 1954 में बनाया गया था। इस फ्लैग में जो ये आपको एकता अनुशासन दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये एनसीसी का मोटो है। और ये आपको ये दिख रहा है होगा, ये ऐसे बने हैं, ऐसे ये सर्कल। ये सर्कल काय का सर्कल है? ये सर्कल लोटस के फूलों से बनाया गया है। और बीच में ये आपको एनसीसी दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर। और इसे किस कलर में लिखा गया है? तो इसे गोल्डन कलर में लिखा गया है। इस फ्लैग में ये 17 डायरेक्टिव नहीं थे पहले, अब ये 17 डायरेक्टिव उठ गए हैं। और आपको पता है कि एनसीसी में तीन रंगों का कलर क्यों डाला गया है इस फ्लैग में? क्योंकि ये हमारे तीनों सेनाओं के कलर है, इसलिए इसे डाला गया। आपको ये एनसीसी फ्लैग में जो टू डॉट्स होते हैं ना, टू डॉट्स यहाँ पे, ये सबसे ऊपर वाले डॉट का मतलब है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, और नीचे वाले का नाम है वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जो कि ग्वालियर में है, एमपी के अंदर आती है। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कामती में है, नागपुर में, महाराष्ट्र के अंदर आती है। इस तरह एनसीसी के फ्लैग को तैयार किया गया है, तभी इस फ्लैग में इतने डायरेक्टरेट्स नहीं थे। आज हमारे पूरे इंडिया में 17 डायरेक्टरेट्स हैं। और हम आपको ये कुछ पांच प्रश्न बताएंगे। एनसीसी फ्लैग को कब बनाया गया? 1995 ईस्वी में। एनसीसी फ्लैग में कितने डायरेक्टरेट्स हैं? 17। एनसीसी का मोटो क्या है? एकता और अनुशासन। एनसीसी फ्लैग में सबसे ऊपर दिखाए गए टू डॉट्स का क्या मतलब है? नंबर वन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जो कि कामती के अंदर आती है, नागपुर महाराष्ट्र में। चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। हमारी कुछ गलतियाँ हुई हों तो माफ़ करना दोस्त। चलिए शुरू करते हैं।